यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। और आज इस वीडियो में हम लोग उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनके एंटोनिम्स पूछे गए हैं आपके पहले पेपर्स में भी, और आगे भी इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं इन एंटोनिम्स को डिस्कस करना। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कैप्टिवेट। अब देखिए, कैप्टिवेट का यहाँ पे हमें पहले मीनिंग जानना है। अगर हमें मीनिंग पता होगा तभी तो हम इसका एंटोनिम, मतलब इसका अपोजिट वर्ड ढूंढ पाएंगे जो ऑप्शंस दिए उनमें से। तो कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? कैप्टिवेट का मीनिंग होता है अट्रैक्ट, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ये मतलब होता है कैप्टिवेट का। और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, और जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें अगर हम पढ़े तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि अट्रैक्ट का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है, अट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना। तो आंसर तो मिल गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का हमें पता है अपोजिट होता है डिस्ट्रैक्ट। तो आंसर हमको मिल गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रैक्ट। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं उनके भी मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो जो ऑप्शन बी है वो लिखा हुआ है आप सभी के सामने, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधली दिखे जो चीज़ें, जो चीज़ें क्लियर ना दिखें, धुंधली दिखें, यही मतलब है ऑब्सक्योर का। देन इम्प्राइजन, इम्प्राइजन का मतलब होता है टू पुट इन प्राइजन, जेल में रखना बंद करके, ये मतलब है इम्प्राइजन का। देन रिलीज, रिलीज का मतलब होता है टू सेट फ्री, फ्री कर देना, मुक्त कर देना। तो चारों जो ऑप्शंस थे उनके मीनिंग भी हमको पता है, और हमें हमारा जो वर्ड दिया गया है कैप्टिवेट उसका अपोजिट भी पता है, उसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि कैप्टिवेट का सिमिलर वर्ड हो जाएगा अट्रैक्ट। कैप्टिवेट मीन्स टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट, मतलब विचलित करना, ध्यान भटकाना। तो कैप्टिवेट मींस अट्रैक्ट, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर है कि कैप्टिवेट क्या होता है और इसका एंटोनिम क्या होगा, वो भी अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है द लैंड विच इज वेरी पुअर टू प्रोड्यूस एनी वेजिटेशन, कोई ऐसी जमीन जो कि बंजर हो, है ना। A land that is very poor to produce any vegetation, बंजर जमीन जहाँ पे हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते, उसको ही हम लोग बोलेंगे barren। तो barren का जो antonym हो जाएगा वो हो जाएगा fertile, option A। fertile means उपजाऊ जमीन जिस पे हम अलग अलग crops को, अलग अलग फसल को उगा सकते हैं, यही मतलब हो जाएगा fertile का। लेकिन जो बाकी options दिए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जो बाकी option है उनमें पहला option दिया गया abundant, abundant का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। देन हार्श, हार्श का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी अनकाइंड, मतलब कठोर हो बहुत ज़्यादा जो, उसे हम लोग बोलेंगे हार्श। एंड देन फैलो, फैलो का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा लैंड जिसपे हम लोग खेती ना करते हो, जिस पे हम लोग खेती ना कर रहे हो। क्यों खेती ना कर रहे हो? ऐसा लैंड जिसके ऊपर हम खेती नहीं कर रहे ताकि उस, वो जो सॉइल है उस सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, उसकी जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाए। अब कोई लैंड है अगर उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली खेती करते रहेंगे तो जो सॉइल है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर हमने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, उस पर हमने खेती नहीं की, तो वो जो सॉइल है उस सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसे ही लैंड को हम लोग बोलेंगे फैलो, ठीक है। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल चुका है, बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन जो कि जिस पे हम कोई भी वेजिटेशन को ग्रो ना कर सकते हो, कोई भी वेजिटेशन को हम प्रोड्यूस ना कर सकते हो, बंजर जमीन। उसका सही आंसर हो जाएगा, उसका सही एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल लैंड, मतलब उपजाऊ जमीन। आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर है। अगला वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत सोशिएबल हो, सोशिएबल मीन्स जो बहुत फ्रेंडली हो, जिसे लोगों की कंपनी अच्छी लगती हो, ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे ग्रिगेरियस। अब जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनसोशिएबल, है ना। ग्रिगेरियस का मतलब होता है इंसान जो बहुत फ्रेंडली हो, जो बहुत सोशिएबल हो, जो बहुत लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, जिसे दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सही एंटोनिम हो जाएगा ऐसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर ना रखना हो किसी के साथ, जिसको बहुत दोस्ती ना रखनी हो, जिसको बहुत सोशिएबल नहीं रहना है, जिसको दूसरे लोगों की कंपनी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे अनसोशिएबल। तो ग्रिगेरियस का एंटोनिम हो जाएगा अनसोशिएबल। जो बाकी वर्ड्स दिए हैं उनके भी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन बी इज़ अनसिम्पथेटिक। अनसिम्पथेटिक का मतलब होता है नॉट शोइंग सिंपथी, मतलब
सहानुभूति ना दिखाए उसे बोलेंगे अनसिंपथेटिक. देन ऑप्शन सी इज अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल का मतलब होता है नॉट शोइंग थैंक्स टू एनीबडी, मतलब ऐसा इंसान जो किसी का भी आभार व्यक्त ना करता हो, ऐसा इंसान जो किसी को भी धन्यवाद ना बोलता हो, मतलब जो किसी को भी थैंक यू ना बोले, किसी का भी एहसान ना जताए, उसे हम लोग बोलेंगे अनग्रेटफुल. देन ऑप्शन डी इज अनअट्रैक्टिव. अनअट्रैक्टिव मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, कोई ऐसी चीज़ जो कि आकर्षित ना करे किसी को, अनाकर्षित बोलेंगे इसे, तो यही मीनिंग है अनअट्रैक्टिव का. तो हमने जो चार ऑप्शंस दिए उन चार ऑप्शंस के मीनिंग भी देख लिए, प्लस हमें पता चल गया कि ग्रेगेरियस जो है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडली पर्सन, जिसको दूसरे की कंपनी अच्छी लगती हो, उसका एंटोनिम हो जाएगा अनसोशिएबल, मीन्स अनफ्रेंडली. आई होप आपको ग्रेगेरियस का मतलब भी क्लियर है कि ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, एंड ग्रेगेरियस का एंटोनिम भी क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग अपना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका रियल एग्जिस्टेंस ना हो. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका रियल एग्जिस्टेंस हो, जो कि डेफिनेट हो. तो हमें इंटेंजिबल का एंटोनिम पता चल गया. इंटेंजिबल का एंटोनिम हो जाएगा कंक्रीट, मतलब जिसका रियल एग्जिस्टेंस होता है. जो दूसरे ऑप्शन है उनके भी मीनिंग देख लेते हैं. ऑप्शन ए दिया गया है इथरियल. इथरियल का मतलब होता है वेरी लाइट, बहुत हल्की सी चीज, एक्सट्रीमली लाइट वेट हो, जिसका बहुत हल्की चीज हो, उसे हम लोग बोलेंगे इथरियल. ऑप्शन सी दिया है इनसब्सटेंशियल. इनसब्सटेंशियल का मतलब होता है नॉट स्ट्रांग, जो चीज स्ट्रांग ना हो, बहुत मजबूत ना हो, उसे हम बोलेंगे इनसब्सटेंशियल. देन ऑप्शन डी इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, नॉट एज अ मटीरियल थिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि एज एन आइडिया एग्जिस्ट करती हो लेकिन एज अ मटीरियल वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसे हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट. तो चारों जो वर्ड्स हैं इन चारों के हमको मीनिंग भी क्लियर है, प्लस हमको अपना जो वर्ड दिया है इंटेंजिबल उसका एंटोनिम भी पता है कि इंटेंजिबल का मतलब होता है जो चीज रियली एग्जिस्ट नहीं करती है. तो इसका आंसर तो हो जाएगा कंक्रीट, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, जो अपने आप में डेफिनेट है. आई होप आपको इंटेंजिबल का एंटोनिम क्लियर है. अगला हम अपना वर्ड देखते हैं और उसका एंटोनिम समझने की कोशिश करते हैं. अगला वर्ड दिया है हमें वर्चू. वर्चू का मतलब होता है अ गुड हैबिट और बिहेवियर, एक अच्छी आदत या व्यवहार. अब जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वाइस. वाइस का मतलब होता है अ बैड हैबिट और बिहेवियर, एक बुरी आदत या व्यवहार. तो वर्चू का मतलब है अच्छी आदत, तो अच्छी आदत का अपोजिट क्या होगा, अच्छी आदत का अपोजिट हो जाएगा वाइस, मतलब बुरी आदत. बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उनके मीनिंग भी देखते हैं. देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपको वाइल्स. वाइल्स का मतलब होता है छल कपट चालाकी, ये मतलब है वाइल्स का. देन ऑप्शन वी इज कर्स. कर्स का मतलब होता है शार्प. देन ऑप्शन डी इज कनिंग. कनिंग का मतलब होता है चालाक, कोई ऐसा इंसान जो कि बड़ा चालाक है उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज वेरी कनिंग पर्सन, बहुत चालाक इंसान है ये. तो कनिंग का मीनिंग भी क्लियर है, कनिंग का मतलब होता है चालाक. तो यहाँ से हमें वर्चू का मतलब भी पता चला कि वर्चू का मीनिंग होता है अ गुड हैबिट और बिहेवियर, और उसका अपोजिट हो जाएगा अ बैड हैबिट और बिहेवियर, जो होता है हमारा वाइस. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने समझा, उनके मीनिंग को भी देखा प्लस उनके एंटोनिम्स को भी देखा. आई होप इन सारे वर्ड्स में आपको कोई भी डाउट नहीं है. अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं. आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी. आगे और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही एनहांस करते रहेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट.